मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग के साथ बीजेपी जेडीएस की पदयात्रा मैसूर में खत्म हुई। इन दोनों पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस का जन आंदोलन भी मैसूर में एक दिन पहले ही खत्म हुआ था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ बीजेपी की पदयात्रा का आखिरी दिन, पदयात्रा मैसूर में खत्म हुई। मांग थी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का इस्तीफा और मूडा के कथित 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। टूथ एंड नेल, सीएम हैज टू रिजाइन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यह है मूडा का दफ्तर। इसी ने मैसूर के देवनूर लेआउट की जमीन के बदले सिद्धरमैया की पत्नी को 14 प्लॉट्स महंगे विजयनगर इलाके में। सिद्धरमैया का कहना है कि ये प्लॉट्स बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के दौर में दिए गए थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इससे इनकार कर रहे हैं। डिमांड इज रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द रूल्स वर मेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, एनए वाज डन इज ड्यूरिंग हिज टेन्योर, चेंज ऑफ प्लेसिंग एवरीथिंग वाज डन इन हिज टेन्योर, देयरफॉर ही इज रिस्पांसिबल। प्लॉट्स मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी को बोम्मई सरकार के दौरान ही मिले थे, इसके बावजूद कि 50-50 स्कीम पर येदुरप्पा सरकार ने रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की इजाजत जरूरी है। ऐसे में कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत अब तय करेंगे कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलेगा या नहीं। इस सिलसिले में इजाजत के लिए एक अर्जी राज्यपाल को दी गई है, जो फिलहाल उनके पास विचाराधीन है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।